आप सरकार को खत लिखने में तो देरी नहीं लगाते हैं, लेकिन उनकी तरफ से मदद आती है तो आप कहते हैं कि नहीं, हमको आपकी मदद नहीं चाहिए जब तक आप ये पैसा हमको नहीं देते हैं। ये दिक्कत हमेशा से रही, अब आप उसका जवाब दें। इससे पहले गौरव भाटिया, एक सेकेंड, मुझे पता है आपको जवाब देना होगा, रुक जाइए एक सेकेंड, आपको जवाब देना होगा क्योंकि आपकी सरकार चली है और दो टर्म से आपकी सरकार चल रही है। अगर आप किसानों के पास केंद्र की नीति का पैसा नहीं पहुंचा रहे हैं तो क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं? आयुष्मान भारत का फायदा अगर उन्हें नहीं मिल पा रहा है तो क्यों नहीं मिल पा रहा है? हमारे पास तो फ्री हेल्थ है, हम लोगों के पास ऐसा बहुत राज्य है कि जो आयुष्मान भारत नहीं लिया है। जनसंख्या नहीं है क्या जो बांग्लादेश से ला करके अपने यहाँ बिठाए हुए एक एक करके? सर आप लोग सब स्काइप से जुड़े हुए हैं, अपरूपा जी आप लोग स्काइप से जुड़े हुए हैं, अगर आप एक दूसरे पर बोलेंगे तो बात समझ में नहीं आ जाएगी, नहीं आ पाएगी। गौरव भाटिया कुछ कहना चाह रहे हैं और उसके बाद मैं ब्रेक लूंगी। गौरव भाटिया, देखिए रूबिका जी, खेला होबे नहीं होगा। 2 मई को ममता बनर्जी अकेला होबे, अकेला पड़ जाएगा। और याद करिए, नंदीग्राम से ही ममता जी का सूर्य उदय हुआ था और नंदीग्राम में ही अस्त होने जा रहा है, ये भी आप मान लीजिए। विकास की बात करी तो विकास की बात पे पहले मैं कुछ प्रश्न पूछ लूँ। जब इनकी बारी आए तो TMC की प्रवक्ता बता दें, 3 ऐसी बड़ी कंपनी, सिर्फ 3, ज़्यादा नहीं, 10 साल राज किया है, जिन्होंने निवेश किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 75 लाख किसानों को क्यों नहीं मिली? आयुष्मान योजना, अगर एक और योजना मिल जाती, मान लीजिए पश्चिम बंगाल सरकार चला रही है तो वो लागू क्यों नहीं करी? अम्फान साइक्लोन 2700 करोड़ रुपया दिया, हाईकोर्ट ने कहा जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट क्यों चली गई कि जांच नहीं होनी चाहिए? और कोविड के वैक्सीन पहुंच रहे थे, ट्रक रोक दिया सिद्दीकुल्ला चौधरी ने। बेचारी बंगाल की जनता तो ये कह रही है कि माँ को पीटा और बंगाल की भूमि पे निर्दोषों के खून का छीटा, ये है इनकी माँ और माटी, ये लोग नहीं सुधरेंगे। और इसीलिए अब परिवर्तन जो आपने कहा शुरू हो गया है, आगे कुछ ही दिन की बात है, ममता अब जाने वाली हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। ओके, अपरूपा जी इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि ममता बनर्जी एकला चलो में विश्वास रखती है, लेकिन क्या वाकई जो एक के बाद एक उनके राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, उनके करीबी, उनके उनके तमाम दिल लगे लोग जब छोड़कर BJP में जा रहे हैं तो वो वाकई एकला चलोगी? ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी, भवानीपुर से नहीं, जो उनकी परंपरागत सीट है। पहले लगा था कि वो दोनों सीटों से चुनाव लड़ने वाली है, लेकिन अब नंदीग्राम में मुकाबला होने वाला है। फिर मैं क्वेश्चन मार्क लगाती हूँ क्या शुभेंदु अधिकारी से, क्योंकि वो कभी दीदी के दिल के करीब राइट हैंड मैन हुआ करते थे, उनकी कैबिनेट में कद्दावर पोस्ट उन्होंने ले रखी थी, लेकिन फिर BJP का वो चेहरा बन गए हैं। आप अपरूपा जी एक के बाद एक दीदी को, दीदी के किले को, दीदी की सियासत को छोड़ते चले जा रहे लोग किस तरफ इशारा कर रहे हैं? कमजोर पड़ी है दीदी की जमीन? देखिए, दीदी की जमीन कमजोर नहीं पड़ी है। जिन लोगों के पॉलिटिकल कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जिनके पॉलिटिकल कोई एथिक्स नहीं है, वो लोग जा सकते हैं। और दीदी, देखिए दीदी आंदोलन के माध्यम से आई है, दीदी हमेशा फाइटर रही है, तो दीदी फाइट लेगी 2021 के इलेक्शन में भी, बंगाल का जनता उनके साथ है। ABP News आपको रखे आगे।